पूरा देश आज चंद्रयान मिशन की सफल लैंडिंग पर जश्न मना रहा है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर से एक अनोखी तस्वीर सामने आया है। जहां एक तरफ हिंदू समाज के लोग शंखनाद करके खुशी मनाई और बाबा का धन्यवाद दिया, तो वहीं पर ही मुस्लिम समाज के लोगों ने मजार पर चादर पोसी कर देश की तरक्की की दुआ मांगी और इसे ऐतिहासिक दिन को लेकर आभार जताया। आपको बता दें कि चंद्रयान मिशन की सफल लैंडिंग को लेकर शहर में जश्न का माहौल बना, तो वाजी सर के कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगा झंडा लेकर मनाया जश्न। तो वहीं पर सुप्रसिद्ध दाता कमल शाह के मजार पर किया चारपोसी, कहा यह देश के लिए गर्व को देने वाला पल और हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, जिसके कारण आज देश ने इस महान कार्य में अपनी पहचान को कायम रखा और चांद पर हमारा पहचान पहुंचा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मांगी और भी दुआ, तो वही तिरंगा झंडा को लेकर दिखाया देशभक्ति, कहा हम सब एक है और आगे भी रहेंगे, और देश के लोगों इसरो को वैज्ञानिकों को दिया सफल लैंडिंग के बधाई। वहीं दूसरी ओर इस चंद्रयान की सफल लैंडिंग को लेकर मुजफ्फरपुर में हिंदू समाज के लोगों ने शहर में मनाई गई दिवाली और होली का एक पर्व एक साथ, युवाओं ने आज शाम को बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर के पास पटाखा फोर कर मनाया जश्न, तो गुलाल लगाकर दिया बधाई, बाटी मिठाई का बार दुनिया भर में और आगे बढ़ी इसकी हम प्रार्थना करते हैं। शंखनाद करके बाबा का जताया आभार। बाबा गरीबनाथ धाम के महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि दिन की पूजा को भगवान ने सुन लिया और यह हमारी विशेष पहचान का नमूना है कि हमने अपने मिशन को लेकर चांद पर पहुंचा दिया और इसके लिए खुशी मना रहे, लोगों को मिठाइयां खिलाकर पीएम मोदी एयर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे। शहर के बाबा धाम गरीबनाथ धाम के पास युवाओं और पुरोहितों लोगों ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय किनारे के साथ मनाया जश्न, तो एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर दी बधाई। तो देखिए आज पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूबा हुआ है। आखिर क्यों डूबा हुआ है? चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर हो चुके हैं, जिसको लेकर आज मुजफ्फरपुर में दाता कमल शाह मजार पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, पाले खान हुए, रियाज अंसारी हुए, तमाम जो लोग हैं, चादर पोशी किए हैं, बच्चे भी हैं और हिंदुस्तान का झंडा सानों से फहरा रहा है। तो एक एक लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से आज हिंदुस्तान खुशियों में है, गर्व से सीना चौड़ा हो चुका है हर एक हिंदुस्तानी का पूरे बात को लेकर। पाले खान जो सामाजिक करता है क्या कुछ बता रहे हैं आपको, हम सुनवाते हैं। बताइए कितनी खुशी है चांद पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को लेकर, जो आज खुशी पूरे हिंदुस्तान में मनाई जा रही है, खासकर मुस्लिम समाज में, वो आपके सामने है। हम इसरो के तमाम वैज्ञानिकों और तमाम देशवासियों को इसके लिए तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे देश को इसी तरह तरक्की अता फरमाते रहिए। अब्दुल मजीद, मुजफ्फरपुर। हिंदुस्तान का नाम आसमान पे लिखा गया, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, ये सभी समुदाय सभी धर्म के लोगों के लिए गर्व की बात है और हम एज ए मुसलमान भारत के आज गर्व महसूस कर रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और सच्ची खुशी उसकी आज अनुभूति हो रही है कि देश जो आज़ाद हुआ था जिस मिशन के लिए, आज वो मिशन भी कामयाब हो गया। हम चंद्रयान पे चंद्रमा पे झंडा फहराने में कामयाब हुए। हम तमाम वैज्ञानिकों को सैल्यूट करते हैं, बधाई देते हैं और भारत के तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आपसी भाईचारा बनाए रखें। हम एक थे तभी मजबूत हैं और एक थे जिसका प्रमाण है कि चंद्रयान पे तिरंगा फहरा रहा है। जब जब हम एक रहेंगे इसी तरीके का तिरंगा आगे भी फहराता रहेगा। इसी शुभकामनाएं बधाई देता हूं, सारे वैज्ञानिकों पे गर्व करता हूं, सैल्यूट करता हूं, सारे हिंदुस्तान वासियों से अपील करता हूं कि एक हो जाओ और जश्न मनाओ। 15 अगस्त को तो आज़ाद हुए थे लेकिन आज हम कामयाब हुए हैं चंद्रयान पे तिरंगा फहराने के बाद। शुक्रिया। रियाज अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता, मुजफ्फरपुर, बिहार। आज बहुत ही खुशी, आज का दिन हम लोग त्यौहार का दिन लेके चल रहे हैं, त्यौहार की तरह मना रहे हैं। सुबह से ही बाबा गरीबनाथ से भी हम लोग गुहार लगाए कि हमारा जो चंद्रयान है तो अपना वो लैंड कर जाए। इस खुशी में हम लोग सुबह से ही पूजा पाठ में लगे हुए हैं। जब हम लोग को खबर मिला कि ये लैंड कर चुका है, अपने पूरे भारतवासियों को समझिए कि एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट जो हम सुबह से बोल रहे हैं, वो गॉड गिफ्ट बाबा गरीबनाथ भोले महादेव सावन के पावन महीना में पूरे भारतवासी को जो गिफ्ट दिए हैं, मैं उनका आभारी हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय जो वो वैज्ञानिक हमारे जो बंधु हैं उनका मैं सदा आभारी, पूरा भारतवासी आज उनको नमन करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सत सत नमन है, सादर प्रणाम है उनको, जो इस भारत को जो तोहफा दिए हैं।
मैं महंत अभिषेक पाठक बाबा गरीबनाथ भारत माता की। और इसरो को और सभी वैज्ञानिक को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इन्होंने वर्षों के परिणाम का आज फल है कि भारत आज चांद पहुँच गया। और साथ ही साथ साथ 140 करोड़ देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी कामना की, इतना पूजा पाठ किए और ये प्रयास सफल रहा। इसके लिए 140 करोड़ देशवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और बाबा गरीबनाथ से कामना करता हूँ किसी तरह अपना देश, भारत देश हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहे। संजय रजक। चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई है, चंद्रयान 3 की क्या बोलेंगे? देखिए पूरे देश के अंदर आज खुशी की लहर है। हमारा हिंदुस्तान आज पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है और आज जो है हमारा हिंदुस्तान इतिहास रचा है। चांद पर हिंदुस्तान का जो झंडा है, तिरंगा, वो फहरा रहा है। हमारे सभी हिंदुस्तान भाइयों के लिए ये गर्व की बात है और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम समुदाय हैं, आज आप देख सकते हैं कि हम लोग आज जो देश हमारा जो तरक्की कर रहा है, जो इतिहास रचा है, उसके लिए आज हम लोग हज़रत दाता कंबल शाह के दरगाह पर आज हम लोगों ने चादर पोशी किया है और एक दूसरे को मिठाई खिला करके हम लोगों ने खुशी जाहिर की है। और हम लोग दुआ करते हैं कि चांद पे आज हमारा तिरंगा लहराया है, कल होकर के जो हमारे वैज्ञानिक हैं देश के, वो और भी आगे बढ़ें और तमाम देश के वैज्ञानिकों को हम अपनी तरफ से बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। क्या परिचय है? पाले खान, सामाजिक कार्यकर्ता। तो आपने सुना पाले खान ने क्या कुछ कहा और रियाज अंसारी जो सामाजिक कार्यकर्ता है मुजफ्फरपुर में, आज उन्होंने मिठाइयाँ बांटी है और चादरपोशी की है दत्ता कमल सब मज़ार पर। सफल लैंडिंग हुई है जो चंद्रयान 3 को लेकर, चंद्रमा पर, उसको लेकर काफ़ी लोगों में खुशी है, पूरे हिंदुस्तान खुशियों से झूम उठा है। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।